अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, मान लो कि ये जो डिस्प्ले सेटअप है ये कोई दूसरे रूम में कर रहा है, देख रहा है, और एट द सेम टाइम लेट्स सपोज आप वेडिंग कर रहे हो, आपको वहाँ पे जो क्लाइंट है उनको भी दिखाना है, सो उनके फ़ोन में इस तरह से, हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बात करूँगा जो है बाय अ ब्रांड कॉल्ड हॉलीलैंड, और प्रोडक्ट का नाम है मार्स 400S। ये एक वायरलेस ट्रांसमीटर सिस्टम है, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोडक्ट है ये थोड़ा प्रोफेशनल्स की तरफ टारगेटेड है, बिकॉज इसका जो यूज़ है वो आप एक प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट में मेजरली यूज़ करोगे। सो अगर आप एक बिगिनर या आप जस्ट हॉबी के लिए शूट कर रहे हो, शायद आपके लिए यूज़फुल ना हो, बट यू कैन वॉच दिस वीडियो सो दैट इन फ्यूचर शायद आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये मार्स 400S इज़ बेसिकली अ वायरलेस ट्रांसमीटर सिस्टम। मेरे लेफ्ट हैंड में है रिसीवर, ये है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर आपके कैमरा में लगेगा, रिसीवर आप किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस पे यूज़ कर सकते हो आउटपुट के लिए, डिस्प्ले के लिए। लेट्स सपोज मैं अपने टीवी पे या एलसीडी पे, या इवन अगर मैं एक एक्सटर्नल मॉनिटर पे यूज़ करना चाह रहा हूँ, वहाँ पे भी मैं वायरलेसली अपना जो डिस्प्ले है वो देख सकता हूँ। सो अगर मैं अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, ट्रांसमीटर मेरे कैमरा के ऊपर लगा है, इस रिसीवर को यूज़ करके कोई और पर्सन लेफ्ट में बैठा है, दूसरे रूम में बैठा है, या कहीं और भी है, वो देख सकता है वायरलेसली कि अभी मैं लाइव क्या शूट कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको वायरलेस डिस्प्ले लेना है, जो आप कैमरा से शूट कर रहे हो उसका आप ले सकते हो। तो सबसे पहले ये रिसीवर और ट्रांसमीटर का जो किट है वो आपको मिलता है, एंड इन टोटल आपको 5 एंटीनास मिलते हैं, 4 आपके रिसीवर और ट्रांसमीटर के ऊपर लग जाएंगे। ये चीज़ अच्छा है, एक स्पेयर है बाय चांस अगर आपका टूट जाता है या कुछ भी इशू आता है, सो एक स्पेयर एंटीना इन द बॉक्स मिल जाता है। नेक्स्ट चीज़, आपको चार्जर मिलता है जिससे आप एक रिसीवर या ट्रांसमीटर यूनिट को पावर कर सकते हो। उसके बाद एक हॉट शू अडैप्टर है जिसको यूज़ करके आप कैमरा के ऊपर ट्रांसमीटर को माउंट कर पाओगे, एंड एक USB टू C टाइप का अडैप्टर है जिसको आप यूज़ कर सकते हो टू माउंट इट ऑन रिसीवर और ट्रांसमीटर। सो मोस्टली ये चीज़ आपको बॉक्स में मिलती है। एक नहीं बल्कि 2 चीज़ें जो बॉक्स में मिसिंग लगी मुझे, सबसे पहली चीज़ है बैटरीज। दोनों में एक्सटर्नल बैटरी का ऑप्शन है, आपको यूज़ करनी पड़ेगी, बट वो इन द बॉक्स बैटरीज नहीं आती, तो वो चीज़ एक मेरे को लगा अगर इन द बॉक्स होता तो सही था, चाहे उसका कॉस्ट इंक्लूडेड होता, तो वो आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा। और एक मेजर रीज़न HDMI केबल, जिसकी वजह से वीडियो ऑलमोस्ट 1 महीना डिले हुई है, बिकॉज अलग अलग हम HDMI ट्राई कर रहे थे, बट फाइनली द वीडियो इज हेयर। सो HDMI इसमें मिसिंग है, वो आपको अलग से उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की। सो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग है, दिस इज़ मेड अप ऑफ मेटल, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है कि चीप प्लास्टिक या कुछ यूज़ हुआ हो। एक चीज़ इसमें जो मैं बैटरी की बात कर रहा था, अब 2 ऑप्शन हैं, या तो आप बैटरी लगा सकते हो एक्सटर्नली, या जो इसके साथ चार्जर आता है वो इन दोनों में से किसी एक यूनिट को आप पावर करने के लिए यूज़ कर सकते हो। सो एटलीस्ट एक बैटरी तो आपको लेनी ही पड़ेगी। देन दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर के लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास यहाँ पे SDI इन का ऑप्शन है और HDMI, तो इसमें दोनों चीज़ों का ऑप्शन है, आप SDI इन भी कर सकते हो और HDMI भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है आप कौन सा कैमरा सिस्टम यूज़ कर रहे हो। उसके बाद C टाइप का भी यहाँ पे ऑप्शन है। दूसरी साइड में ऑन एंड ऑफ का स्विच है जिससे आप ऑन या ऑफ करोगे, एंड नीचे ये पॉइंट है जहाँ से आप चार्जर को यूज़ करके इसको पावर कर सकते हो। तो ये है बेसिकली लेफ्ट राइट बैक साइड में। आगे की तरफ बहुत सिंपल है, OLED डिस्प्ले है जिसमें आपको चैनल्स दिखेंगे और आप पूरा सेटिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। 3 बटन्स हैं मेन्यू में जाने के लिए, चैनल को स्विच करने के लिए, एंड ऑप्शंस ऊपर और नीचे जाने के लिए। सो हॉलीलैंड क्लेम करता है कि 400 फीट तक इसका सिग्नल लूज नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे कैमरा पे ट्रांसमीटर लगाता हूँ तो रिसीवर को मैं 400 फीट तक ले जा सकता हूँ। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, हम आउटडोर जाके एक सैम्पल शूट करके आपको दिखा देते हैं। सो अभी यहाँ पे रतनदीप के पास ये सेटअप है जहाँ पे ट्रांसमीटर लगा हुआ है कैनन M50 में, एंड ये स्टॉपवॉच में देखता रहेगा जो टाइम चल रहा है। और मेरा सेटअप ये है जो रिसीवर लगा हुआ है एक्सटर्नल मॉनिटर में वायरलेस, सो इसको मैं डिस्टेंस पे लेके जाऊंगा एंड देखते हैं कितना दूर जाता है।
तो इस पाथ पे मैं पूरा आगे तक जाता रहूँगा जहाँ तक मेरे को इस स्क्रीन पे जो स्टॉपवॉच रतनदीप ने करा हुआ है, जहाँ मेरे को लैग दिखना शुरू होगा या बंद होगा, वहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना डिस्टेंस आ रहा है। सो अब मैं यहाँ से आगे चलता हूँ ये कैमरा लेके, एंड आई विल शो यू कितना डिस्टेंस जाता है। सो अभी मैं ऑलमोस्ट 300 या 350 फीट के डिस्टेंस तक गया था, उसके आगे भी शायद गया था, एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाए हम। बट एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि जब मैं बैक कर रहा था ट्रांसमीटर और रिसीवर, जब दोनों बैक मेरी थी बीच में, तब आई थिंक अराउंड 300 फीट के आसपास सिग्नल लॉस्ट हो गया था। बट जब मैं डायरेक्ट पॉइंट कर रहा था टुवर्ड्स द ट्रांसमीटर, तब आई थिंक मैं इजीली 350 फीट तक तो गया था, तब जाके थोड़ा सिग्नल लॉस होना स्टार्ट हुआ था। सो ये है आउटडोर, बाकी अब इनडोर चलते हैं और थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब इन द बॉक्स एक रिसीवर और ट्रांसमीटर मिलता है, बट आप मैक्सिमम दो रिसीवर्स को कनेक्ट कर सकते हो, और इंटरेस्टिंगली आप चार डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हो वाईफाई को यूज़ करके। चार फोन्स या आईपैड या इस तरह के डिवाइसेस जो वायरलेस से कनेक्ट हो सकते हैं वो आप कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा जहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस में आप कैमरा को यूज़ कर सकते हो वायरलेसली। ओके, तो अब ये एक डेमो सेटअप है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यूज़ हो सकता है। यहाँ पे है मेरा कैमरा जिसके ऊपर ट्रांसमीटर लगा हुआ है हॉलीलैंड 400S का, और यहाँ पे कुछ भी कनेक्शन नहीं है कैमरा और इस सेटअप के बीच में। सो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये रिसीवर है, रिसीवर से मैंने डिस्प्ले कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो कनेक्शन है दैट इज़ ओनली बिटवीन रिसीवर और ये डिस्प्ले, और यहाँ पे ट्रांसमीटर और कैमरा के बीच में। अब इस सेटअप को मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ विद इन 400 फीट्स, अगर बीच में कुछ दीवार वगैरह नहीं है। दीवार होगी तो आई थिंक थोड़ा सा कम हो जाएगा इनके बीच में जो रीच है, बट स्टिल गुड इनफ। इतना आई डोंट थिंक 400 फीट से आप दूर जाने वाले हो। सो ये अभी करंट सेटअप है, यहाँ पे आप लाइव देख सकते हो। मैं आपको एक बार लेटेंसी भी दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी ये लाइव शूट हो रहा है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो जो शूट हो रहा है मेरा कैमरा सेटअप, वो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये लेटेंसी आई थिंक जितना ब्रांड ने क्लेम किया दैट इज़ 0.1 या 0.2 सेकेंड के आसपास। सो काफ़ी फास्ट है, इतना लैग मेरे को नहीं दिख रहा। आप यहाँ पे एक लाइव डेमो देख सकते हो, सो लेटेंसी बहुत कम है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, मान लो कि ये जो डिस्प्ले सेटअप है ये कोई दूसरे रूम में कर रहा है, देख रहा है, और एट द सेम टाइम लेट्स सपोज आप वेडिंग कर रहे हो, आपको वहाँ पे जो क्लाइंट है उनको भी दिखाना है। सो उनके फ़ोन में इस तरह से आई जस्ट शो यू, तो आप देख सकते हो दोनों में सेम डिस्प्ले आ रहा है अगर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये अप टू 4 फोन्स या आईपैड्स में आप कनेक्ट कर सकते हो अगर एक और एक्सटर्नल रिसीवर के साथ ही कनेक्ट हुआ हुआ है, या दो रिसीवर्स हो सकते हैं या एक रिसीवर और चार डिवाइसेस। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को लगी। और इसकी जो ऐप है हॉली व्यू करके ऐप है, उसमें आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं। लाइक मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे हिस्टोग्राम ऑन कर सकता हूँ, तो अगर मैं हिस्टोग्राम करता हूँ मेरे को इस फ़ोन में लाइव हिस्टोग्राम देख सकता है। मैं फोकस भी देख सकता हूँ, फोकस पीकिंग की कहाँ पे फोकस हो रहा है। ज़ेब्रा है मेरे पास, फ्रेमिंग है, मैग्नीफिकेशन है, फॉल्स कलर, मोनोक्रोम एंड इवन 3D लट का ऑप्शन है। एक चीज़ मेरे को लगा जो फोकस असिस्ट है इसमें, जो फोकस पीकिंग दिखाता है, वो सिर्फ वाइट कलर है। अगर और ऑप्शंस होते रेड, ग्रीन या येलो तो वो एक थोड़ा बेटर ऑप्शन रहता। और यहाँ पे ऐप में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, अगर मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ सो वो वीडियो मेरे फ़ोन में ही रिकॉर्ड हो जाएगा, ना कि कैमरा में, और मेरे को बाद में कैमरा से लेना पड़ेगा। मैं फ़ोन से ही फ़ोटोज़ ले सकता हूँ, वीडियो ले सकता हूँ, और वो जो फाइल है वो मेरे फ़ोन में ही रहेगी। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है इस मार्स 400S के सेटअप का। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं हाईलाइट कर दूँ, जो इसका ट्रांसमिशन है वो अप टू 1080p एट 60fps है। सो 4K में आप इसका ट्रांसमिशन नहीं कर पाओगे, बट आई थिंक 1080p एट 60fps काफ़ी है अगर आप इस रेंज में, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है ट्रांसमिशन के लिए, ये इस प्रोडक्ट की रेंज में इन अ वे एक एंट्री लेवल प्रोडक्ट आप बोल सकते हो, येट टारगेटिंग द प्रोफेशनल्स। ओके, सो ये था पूरा डेमो एंड जो मेरा एक्सपीरियंस था अभी हॉलीलैंड मार्स 400S के साथ। थोड़े नेगेटिव्स जो मेरे को इस टाइम में लगा वो है इसका फैन नॉइस। अभी भी अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक बार मैं माइक निकाल के, आई थिंक इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना नॉइस कर रहा है। सो नॉइस है, स्पेशली अगर आपका ऑडियो सोर्स इसके काफ़ी पास रहेगा तो वो एक इशू हो सकता है, बट अगर आप थोड़े डिस्टेंस से ऑडियो ले रहे हो या वायरलेस माइक से ले रहे हो तब वो इशू नहीं रहेगा।
दूसरा चीज़ जैसे मैंने बताया, इसके साथ बैटरी और HDMI केबल्स नहीं आती, तो मेरे को अलग से ये ऑर्डर करनी पड़ी थी। बैटरीज मेरे पास ऑलरेडी थी तो वो यूज़ में आ गई। सो ये था ऑल ओवर जो प्राइस है। इंडिया में अभी मेरे को ये यूनिट Amazon या Flipkart पे नहीं दिखा। अगर मेरे को लिंक मिलेगा, जो बेस्ट पॉसिबल लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप इसकी डिटेल्स देख सकते हो। सो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था एंड ये प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट था। इस टाइप के वीडियोस अगर आपको आगे चाहिए मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।